हाँ सुनना, बबलू आया घर पे तो मैं ना तेरे से बाद में बात करता हूँ। ब्रेकअप क्या होता है नंदन का? अरे नहीं, वो बबलू नहीं, वो अपने कैमरा लोग ना। हाँ अरे अरे वही वही, हाँ वही। चल ठीक है भाई। कैसे हरामी दोस्त हो रहे तुम? हाँ भैया हमें हरामी है, आपके ब्रेकअप के पहले भी हरामी थे और आपके ब्रेकअप के बाद में भी हरामी है। तब हम तुझसे बोलते थे कि भाई इस बंदे की चक्कर मत पड़, बहुत शैनी है, बहुत तेज है, पूरा चूस के निकल जाएगी, पर नहीं। तब तो तुमने हमारी बात मानी नहीं और अब बैठ के रो रहा है यहाँ पे। तब क्या बोला था? नहीं भैया ऐसी लड़की है नहीं, बाकी लड़कियों से एकदम लड़की अलग है, एंजल है, एंजल गद्दे गिराने लायक लड़की है। देखा तूने एंजल? अब मिल गई तुझे एंजल? अबे चूते या सलमान खान को एंजल नहीं मिल रही, तुझे एंजल मिल जाएगी। तू हमें चूतिया समझता है। अब कहाँ गई वो तेरी एंजल? ब्रेकअप हो गया। अरे काई का ब्रेकअप यार, जिस दिन उसको लगेगा ना उसकी लाइफ में कोई नौकर नहीं रह गया, उस दिन बड़े प्यार से करेगी तुझे कॉल और बोलेगी बाबू, और तू है ना पीछे पीछे जाएगा उसके कुत्ते की तरह। मैं नहीं जाऊंगा कुछ भी, अब मैं स्ट्रांग बनूंगा स्ट्रांग। अबे ओ रेंद रेंद, अभी चोट ताजी जाए ना इसलिए थोड़ा फल फल आ रहा। ये क्या समझती है, लड़कियां पूरी दुनिया में खत्म हो गई है? मैं नहीं जाऊंगा अभी इसके पीछे, कुछ भी हो जाए तू देख लेना। बड़े ज्ञान की बात बता रहा हूँ, गौर से सुन ले। हिंदी में परिचय सुना है, बस इसका मतलब एक होता है, शब्द अनेक होते हैं। बस ये सोना और बाबू लड़कियों के लिए वही है, एकदम सेम टू सेम। बड़े प्यार से बोलेगी मेरा बाबू मेरा सोना, गौर से महसूस करना, दोनों का एकदम सेम साउंड आएगा और दोनों किसी भी कंडीशन में किसी भी हालत में भगे भगे उस लड़की के पास पहुंचेंगे। करेक्ट बोला है, ब्रेकअप के बाद में सब समझ में आता है, मैंने सोचा नहीं था कभी मेरे साथ ऐसा करेगी। भाई एक बात ध्यान रखिए, प्यार वगैरह कुछ होता नहीं है, सिर्फ लड़कियों को छुट्टियां बनना कारखाना होता है। चुपचाप अपनी लाइफ जिए, अच्छी लाइफ इंजॉय कर और घर वालों की मनमर्जी शादी कर ले बस। वैसे ब्रेकअप क्यों हुआ? बर्थडे मैंने 5 मिनट लेट विश किया रे, इसलिए। मतलब तूने 5 मिनट बर्थडे विश लेट किया इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया? गजब है यार। अरे उसको नहीं रे, अज्जू को। अब अज्जू कौन है? उसका बेस्ट फ्रेंड रे। तो तू कौन है? मैं उसका बॉयफ्रेंड, और कौन। अबे लेकिन ट्रीटमेंट तो उसे मिल रहा है बॉयफ्रेंड वाला। तू एकदम सही बोला रे भाई, तुझे उससे बात करने की जरूरत नहीं, उससे तुझे बात करने की जरूरत ही नहीं। अरे बोल तो रहा हूँ मैं नहीं बात करूंगा उससे, अब कुछ भी हो जाए। तू सबसे पहले से उसका नंबर डिलीट मार। मैंने पहले ही डिलीट कर दिया, अब उसको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर। नंबर डिलीट मारने के बाद कैसे व्हाट्सएप पे ब्लॉक मारूंगा? तो भाई एक काम कर, तू उसको नंबर सेव कर, वो व्हाट्सएप पे ब्लॉक मारो, फिर नंबर डिलीट कर दे। और का कनेक्ट है तू उससे? फेसबुक पर। अनफ्रेंड कर। चूतिया समझती है मेरे को, मैंने अनफ्रेंड पहले ही कर दिया उसको। भाई ये समझ ले कि जो होता है ना जीवन में अच्छा होता है, समझ ले कि जिंदगी से बला टल गई। भाई भाई एक सेकंड, किसी का फोन आया। अबे कहीं उसका तो नहीं है? अननोन नंबर से कॉल है। हाँ हाँ फिर पिक कर ले। हेलो। हेलो क्या कर रहा है मेरा बाबू? नहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बोलो क्या हुआ? मेरा बाबू नाराज है मुझसे। नहीं मैं कब हूँ नाराज, किसने बोला तुम्हें? अबे कौन है? क्या हुआ मेरे बाबू को? मैं तुम्हें कब से ट्राई कर रही हूँ पता है? ला मेरी बात करा, कब तक बात? छुट्टियाँ रुकते सही, एक मिनट जरा बात तो कर लेने मेरे को। तुमने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है, मुझे व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया है। देख तू मेरा भाई होगा ना तो उससे बात नहीं करेगा, फोन रख दे, बात नहीं करेगा। तुमने मुझे फेसबुक पे भी अनफ्रेंड कर दिया है, इतने नाराज हो मुझसे? मेरी गलती है रे, सॉरी बोल रहा हूँ। सॉरी? अरे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हर जगह ब्लॉक करने की? मेरे पेरेंट्स ने, मेरे दोस्तों ने इतना कहा मुझे कि तुम जैसे लड़के के मैं चक्कर में ही ना पड़ूं। एक मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं तुमसे बात करती रहती थी, मैं तो उस दिन से पछता रही हूं तुमसे बात करनी शुरू करी है। ज्यादा दिमाग खराब रखे तुम्हारे, अरे मुझे मतलब ही नहीं रखा है तुमसे, फाड़ में जाऊं तुम। अरे मेरी बात तो सुनो जरा, एक मिनट। हेलो, बड़ा थोड़ा सा डर ले ऊपर वाले से डीके बॉस। नो